नहीं तो अगर प्रेशर नहीं दूंगा तो हमारे मन में ऐसा हो रहा है कि पेंट छूट जाएगा अभी हाथ से, लेकिन दर्द बहुत हो रहा है अभी हाथ में। यहाँ से प्रेशर हो रहा है तो यहाँ पे पूरा दर्द हो रहा है, और यहाँ पे जब ज़्यादा लिख लूँगा तो फिर ये पूरा ऊपर अंगूठे में दर्द चालू हो जाता है। लेकिन ऐसे कुछ देर तक ही लिख पाता हूँ, और फिर लिखने के बाद देखिए जैसे अभी फिसलना चालू हो गया, देखिए फिर अंगूठा नीचे की तरफ मुड़ रहा है, तो ऐसे ही होता रहता है, दिक्कत होता है लिखने में। कैसे कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ, कभी सही से पकड़ रहा हूँ फिर प्रेशर बढ़ रहा है, फिर लिख रहा हूँ एक दो अक्षर लिखने के बाद जो है फिसल जा रहा है, फिर कभी अंगूठा नीचे की तरफ जा रहा है, लिखते लिखते मुड़ रहा है। और दर्द तो हो ही रहा है, खैर अभी ऐसा लग रहा है कि मैं इसे लिख नहीं पाऊंगा, एकदम होल्ड हो गया है पेन, एकदम पूरा प्रेशर बढ़ रहा है, पूरा पूरा प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर की वजह से जो है कंपन हो रहा है। हालांकि कंपन का कुछ हो नहीं है, कंपन को मैं रोक सकता हूँ कंट्रोल, मतलब कि अपने तरफ से, लेकिन प्रेशर इतना बढ़ रहा है कि इसको कंपन करने के लिए मजबूर कर दे रहा है हाथ को, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रेशर की वजह से फिर राइटिंग टेढ़ा मेढ़ा और लाइन के नीचे जा रहा है, राइटिंग लाइन के नीचे की तरफ जा रहा है, और सही से ग्रिप बन ही नहीं पा रहा है, सपोर्ट नहीं दे रहा है, तीनों उंगली एक दूसरे को सपोर्ट कर नहीं पा रहा है, मतलब कि जितना भी लिखा हूँ इतना ही बहुत मुश्किल से लिखा हूँ मैं। तो फिर लिखते लिखते जब ज़्यादा फास्ट लिखना होता है मजबूर हो जाता है जब ज़्यादा लिखने का, तो फिर पकड़ कुछ ऐसा करना पड़ता है जल्दी लिखने के लिए, फिर ऐसे ही लिखना पड़ता है। लेकिन फिर राइटिंग सही नहीं हो पाता है, ऐसे भी कुछ देर तक लिखता हूँ तो ये पूरा जो है अपना ये पूरा टाइट हो जाता है अपना कलाई, और पूरा एकदम टाइट हो जाता है, और लिखने के बाद पेन रखने के बाद ही पूरा कुछ देर तक दर्द होता है, और अगले दिन तक ऐसा लगता है कि मतलब अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में, हालांकि दाएं हाथ से लिखता हूँ, तो पूरा मतलब कि अलग फील होता है इसमें हाथ में।